नमस्कार, यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। अंबाला में हरियाणा के कांग्रेसी कोषीय अध्यक्ष तरुण भंडारी के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला गया व इस दिन को नोटबंदी की बरसी के रूप में बताया गया। वहीं भाजपा ने नोटबंदी कामयाब बताने पर जननायक सेवा दल का इस पर कहना है कि भाजपा ने कांग्रेस को गरीब व खुद को धनवान होने के लिए नोटबंदी की थी, जिसमें जनता का नुकसान हुआ है। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। के बाद आज हम उस नोटबंदी की बरसी मनाने के लिए काला दिवस आज कांग्रेस पूरे देश में राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे मना रही है। और हमने ये क्यों मनाया, क्योंकि इस तुगलकी फरमान के बाद हमारी जीडीपी डाउन गई, व्यापार छोटे उद्योग धंधे खत्म हो गए, जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो बेरोजगार हो गए और 64.61 लाख करोड़ रुपए की जो हमारी करेंसी थी उसका भी 2 साल आरबीआई खुलासा नहीं कर पाई कि कितना पैसा जमा हुआ। इसमें भी दाल में काला है और देश का आजादी के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। इससे बड़ा घोटाला आज तक कभी भी इस देश में नहीं हुआ। पैसे गिन के बैंकों से आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई वो आंकड़ा बताने में ही नाकाम रही। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।